हेलो फ्रेंड, अगर आपके पास ओप्पो का कोई भी हैंडसेट है जिसमें पैटर्न पासवर्ड पिन लॉक हो जाता है, तो आज हम लोग बताएंगे दोस्तों सिंपल तरीके से कुछ स्टेप करना है आपको। और आपका ओप्पो का कोई भी हैंडसेट है जिसमें पासवर्ड पैटर्न पिन लॉक लग चुका है, तो आप इसको बड़ी आसानी से इसका पैटर्न पासवर्ड पिन आप अनलॉक कर सकते हैं, वो भी घर बैठे ही। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर हम लोग का पासवर्ड लॉक लगा हुआ है ओप्पो का हैंडसेट, तो सिंपल जैसे यहाँ पर आपको अक्टूबर 2022 में एक कोड बताएंगे, ये कोड आपको सिंपल जैसे डायल करना है और आपको 100% आपका हैंडसेट अनलॉक हो जाएगा। बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि जैसे सर आप हार्ड रिसेट करने हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर वाइप डाटा मोड का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन फॉर्मेट डाटा का जो ऑप्शन आता है वो हम लोग का नहीं आ रहा। तो सिंपल जैसे आज जो हम लोग कोड बताएंगे, इस कोड का मदद से आपको फॉर्मेट डाटा का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको चलना है इमरजेंसी कॉल में, उसके बाद सिंपल जैसे यहाँ पर आपको *#899 करके आपको इंजीनियर मोड को ओपन कर लेना है। इंजीनियर मोड को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर वर्जन में जाना है और ओप्पो का जो आप डिवाइस को अनलॉक करना चाहते हैं उसमें आपका एंड्रॉयड 11 होना चाहिए, तभी आपका ये वो कोड जो है वर्क करेगा। उसके बाद आपको मिनिमल टेक्स्ट में जाना है, लास्ट वाला ऑप्शन अदर्स में चला जाना है। अदर्स वाला ऑप्शन जाने के बाद यहाँ पर आपको दो नंबर में एक वो एप्लीकेशन मिलेगा, तो सिंपल जैसे एप्लीकेशन को आपको 2 से 3 बार कैंसिल करना है ओके करके। उसके बाद आपको 4 नंबर में 4 बार क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ओके करके ये जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद से मतलब आपको पूरा बैक आ जाना है। उसके बाद जो ओप्पो का हैंडसेट है यहाँ पर हम लोग का देख सकते हैं पासवर्ड लॉक लगा हुआ है अभी भी। यहाँ पर इमरजेंसी कॉल में फिर से आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एगो सीक्रेट कोड बताएंगे, ये कोड अक्टूबर 2022 में 100% वर्किंग कोड है। तो ये कोड आपको जैसे आप डायल कर देते हैं उसके बाद आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद अगर आपका जैसे ऐड कर देते हैं तो आपका जो फॉर्मेट डाटा का ऑप्शन है, जैसे हार्ड रिसेट करने आप जाते हैं और वहाँ पर आपका फॉर्मेट डाटा का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ चुका है, ऑल सेलेक्ट करना है। यहाँ पर ऑल सेलेक्ट करने के बाद दो ऑप्शन मिल जाएगा, एक को मैसेज का, एक को ऐड बोल कर, ऐड में क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड में क्लिक कर देना देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिक जाके हम लोगों का जो ओप्पो का डिवाइस है सिक्योरिटी में जाकर सेव हो जाएगा। उसके बाद जो ओप्पो का डिवाइस है उसको हम लोगों को चेक करना है कि हम लोग जो कोड है वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। उसके लिए फिर से *#899 करके इंजीनियर मोड को ओपन कर लेना है, मिनिमल टेक्स्ट में क्लिक करना है, लास्ट वाला ऑप्शन में चले जाना है अदर्स वाला में। नीचे में आपको रिसेट कम्प्लीट बोल के एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सिंपल से सिलेक्ट करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का जो कोड डाला है वो हम लोग का 100% सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पर हम लोग का पास हो चुका है। जैसे आपको सीक्रेट कोड डायल करना है अक्टूबर 2022 में ही ये कोड वर्क करेगा, दूसरा मंथ ये जो कोड है वो वर्क नहीं करेगा। उसके बाद सिंपल इसे ओप्पो का जो हैंडसेट है उसको ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद यहाँ पर आपका वॉल्यूम डाउन बटन एंड ऑन अप बटन को प्रेस करके यहाँ पर सिंपल इसे रिकवरी मोड में हम लोगों को लेकर जाना है। यहाँ पर हमको देख सकते हैं रिकवरी मोड का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर कुछ सेकंड आपको वेट करना है, उसके बाद हार्ड रिसेट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो अभी हम लोग कोड बताएँ वो कोड आपको सिंपल जैसे जाके इमरजेंसी कॉल में आपको डायल करने के बाद ऐड कर देना है। आप जैसे ही ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपल इसे देख सकते हैं यहाँ पर 4 से 5 ऑप्शन देखने को आपको मिल जाएगा। वाइप डाटा मोड में ऑप्शन में आना है आपको और सिंपल इसे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा, एक वाइप डाटा का और एक फॉर्मेट डाटा का। जो फॉर्मेट डाटा का ऑप्शन है जब तक ये कोड आप नहीं डालते हैं तब तक आपका ये जो फॉर्मेट डाटा का ऑप्शन है ये आपका नहीं आएगा। यहाँ पर फॉर्मेट डाटा ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको एक कोड देखने को मिल जाएगा, प्लीज़ इंटर द वेरिफिकेशन कोड। ये कोड आपको सिंपल जैसे यहाँ पर आपको डायल कर लेना है। जैसे आप डायल कर देते हैं उसके बाद जो ओप्पो का हैंडसेट है आपके पास वो आपका 100% अनलॉक हो जाएगा। ये कोड अक्टूबर 2022 में 100% वर्किंग कोड है। तो यहाँ पर फॉर्मेट वाला ऑप्शन में क्लिक करना है, जैसे ही क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग का 100% सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद ओके का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल जैसे आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको 3 से 4 मिनट आपको वेट करना है, उसके बाद आपको FRP का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आपको FRP को कैसे बाईपास करते हैं इसी वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे FRP का, ऑल ओप्पो का FRP को कैसे बाईपास करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग का FRP का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको। तो सिंपल जैसे FRP का ऑप्शन जैसे ही आता है यहाँ पर आपको डॉट में क्लिक करके आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर वाईफाई आपको कनेक्ट नहीं करना है, आपका स्किप का ऑप्शन नीचे में देखने को मिल जाएगा, तो सिंपल से आपको स्किप करना है। उसके बाद गूगल सर्विस का ऑप्शन मिल जाएगा, एग्री करना है। एग्री करने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके चलना है 2 से 3
यहाँ पर आपको नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन का परमिशन मांगेगा, आपको अलाउ करना है। उसके बाद आपको सिंपली से स्किप कर देना है। जैसे आप स्किप करते हैं तो यहाँ पर गेट स्टार्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करना है। गेट स्टार्ट वाला ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करते हो तो देख सकते हैं हम लोग का जो पासवर्ड लॉक लगा हुआ था ओप्पो का हैंडसेट में वो 100% अनलॉक हो चुका है। फिर भी अगर आपका ओप्पो का कोई भी हैंडसेट है जिसमें पैटर्न पासवर्ड पिन अनलॉक नहीं होता तो आप हमें